हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। और बताओ क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? हाँ, मेरे को मालूम, मेरे कारण परेशान तो हो कि मैं काफी आपको दे रहा हूँ मैटर, पर करूँ क्या आप बताओ। नहीं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, बर्डन आ जाएगा, फिर एक साथ इतना पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा वीडियो मेरा देखते रहो। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको फायदा होगा। और वैसे भी अभी तो कितना स्लो चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही थर्ड चैप्टर बस। देखो थोड़े दिन में इसका रिवीजन भी करा दूँ एक बार, थर्ड चैप्टर। अच्छा बताओ, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से 3.3 किया, पहले ये बताओ उसमें आए, समझ में आ रहे हैं कैसे प्रॉपर्टीज हैं? लग रहा है ना सिंपल, मैं कह रहा था बहुत हार्ड नहीं है। और 3.1, 3.2 क्या बोल रहे हो? वर्ड प्रॉब्लम्स, सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मेरे को बताओ कौन कौन से क्वेश्चन में आ रहे हैं। आप सर्कल करके बताओ, सर ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन, और मेरे को व्हाट्सअप करके भेजो, सर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम क्या उसको बेसिकली उसी के ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो चलो वी विल इनिशिएट, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत आप भी मेरे को सपोर्ट करो, और अगर इसके अलावा कुछ और ऑप्शन होता तो मैं आपको हेल्प करता। अब लॉकडाउन में इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा है। मैं भी चाहता हूँ आपके साथ थोड़ा मेहनत करूँ, है ना? आलसी बनने से तो कोई फायदा नहीं है। यस वी डू, चलो वी विल स्टार्ट। देखो अभी लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बताया था पैरलोग्राम्स और ट्रेपेजियम के बारे में, अभी कंटिन्यू मैं आप लोगों को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, तो उसमें किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है वो देखना है। ओके, चलो देखो अभी इसमें है कि सबसे पहले काइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो काइट क्या होती है? काइट भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो काइट में देखो ये रहा, ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड इक्वल होगी, कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। या इससे अगर आप देखोगे ना, तो ये वाले जो यहाँ से डायगनल बनाओ तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाता है। ये खास प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है? हमेशा के लिए ये दोनों इक्वल हो गए तो आपका डायरेक्टली हो जाता है। अब इसी ढंग से काइट ऐसे नहीं, ऐसे भी बना सकते हो, ये बनाए तो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, दैट इज काइट। काइट में क्या होता है, इसके अगर डायगनल तुम बनाओगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और ये जो ये वाला डायगनल है जो मतलब दो साइड इक्वल साइड के बीच में आ रहा है, ये हमेशा हाफ ऑफ हो जाता है। लेकिन यह हाफ नहीं होता, जैसे अभी आप यहाँ बनाओगे, ये ज्वाइन करो तो ये हाफ होगा जो इक्वल साइड के साथ में, जो दोनों इक्वल साइड को, ये इक्वल साइड को अलग अलग पार्टी से, ये वाला डायगनल में अनइक्वल साइड चल रहा है, तो इसलिए ये हाफ ऑफ नहीं होगा और यहाँ 90 बनेगा। ये है आपका काइट, काइट का शेप है। अब काइट के बेस पर मैं जैसे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ये काइट है, सपोज ये एंगल 60 डिग्री, ओके, और ये आपको दिया है 70 डिग्री। आपको सारे एंगल्स ढूंढने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये 60 है आइसोस्केलेस है, पर ये भी 60 हो जाएगा, ये 70, ये 70 हो गए, क्लियर हो गए? अगर आपको ढूंढना है 60 60 120, इसको ढूंढोगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये 70 70, तो 140, ये 40 आ जाएगा, तो सारे एंगल आ गए। आप टोटल सम देख लेते हैं, 360, ये 130, 130 कितना हुआ, 260, और ये 100, तो 360 पूरा सम भी आ गया। ये पूरा एंगल कितना हुआ, 130, ये पूरा 130 आ गया। चलो ये हो गया आपका काइट के बारे में पूरा स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूँ इसका पैरामीटर ढूंढना है, ये काइट दिया है, इसकी बाउंड्री का टोटल सम दिया है, ये 3 दिया है और ये 4 दिया है, तो आपको पता है ये 4 हो जाएगा और ये 3, तो पेरीमीटर ढूंढने के लिए सबको ऐड कर दिया आपने, 3 + 3 + 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 10 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर जो भी आपको यूनिट्स दिया। ये काइट का डिस्कशन हो गया। अब काइट के बाद आगे की प्रॉपर्टी, काइट एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं रोम्बस, रोम्बस का डिस्कशन है।
ध्यान से समझ, रोम्बस क्या है, देखो ये एक तरह के पैरेललोग्राम है, चारों साइड इसकी इक्वल होती है इस पैरेललोग्राम में। अगर कोई भी पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड पैरेलल है और इसके अगर सारी साइड इक्वल हो तो इसको हम कहते हैं रोम्बस। अब रोम्बस के शेप तो आपने देखा होगा, आप जो कार्ड्स खेलते हो उस कार्ड में जो हम नहीं बोलते डायमंड कार्ड, डायमंड ये एक्चुअली रोम्बस का होता है, ठीक है। और कहाँ देखा है रोम्बस, आपने देखा जो पहनते हैं तो उसमें रोम्बस शेप की शेप होती है, बिंदिया होती हैं वो सब रोम्बस शेप होते हैं। तो ये रोम्बस शेप इस तरीके हैं। अब रोम्बस में याद रखना इसकी प्रॉपर्टी खास है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। अगर एक साइड भी नोन है तो चारों साइड आपके ऑटोमेटिकली नोन। अरे थ्री है तो थ्री थ्री थ्री, तो पेरीमीटर क्या हुआ, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, यानी थ्री फोर जै ट्वेल्व, इसलिए हम फोर इंटू साइड लिखते हैं पैरामीटर में। अब इसमें एक और खास प्रॉपर्टी है, ये तो पैरेललोग्राम है फर्स्ट पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल। तीसरा प्रॉपर्टी इसका, अगर तुम डायगोनल्स बनाते हो ना तो डायगोनल क्या हाफ ऑफ तो कट होते हैं, लेकिन जहां कट करते हैं वो राइट एंगल होता है। तो डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, हाफ ऑफ कट होते हैं एट 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये इसकी बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, ये ध्यान देने जैसी है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो हमेशा हाफ ऑफ कट, इक्वल नहीं होंगे, हाफ ऑफ कट। यानी अगर हम बोलें ए ओ अगर 3 है तो ये भी 3, अगर ये 4 है तो 4, ये राइट एंगल आ जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में इससे आप साइड ढूंढ सकते हो पाइथागोरस से, 3 स्क्वायर जिससे इसकी साइड ढूंढनी आप, तो x स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, x स्क्वायर इज 9 प्लस 16, x स्क्वायर इज 25, x इज 5, तो ये सारी साइड 5 इसलिए। और एरिया भी आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि सेवन फैमिली सीखा था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट या हाफ डी वन इनटू डी टू। इसका एक डायगोनल कितना है 8, दूसरा डायगोनल 6, तो इसका एरिया हो गया हाफ 6 इनटू 8, 48 बाय 2, 24 सेंटीमीटर इसका एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। अगर एरिया वाला कंसेप्ट आपको याद है, क्योंकि प्रॉपर्टीज में आपको सब चीज़ ध्यान, प्रॉपर्टीज का मतलब इसके क्या क्या नेचर है, आप कैसे कोई भी फिगर को डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्टेड राइट एंगल, ये सिर्फ काइट से एक ही जगह डिफर होता है, इसमें ये इक्वल होता है, ये अलग, मतलब ये इसके साथ इक्वल होता है। इसलिए इसके डायगोनल जो होते हैं यहाँ राइट एंगल तो बना रहे, ये हाफ हो रहा है, ये हाफ नहीं हो रहा होता, लेकिन रोम्बस में ये दोनों ही हाफ ऑफ हो रहा है। तो ये काइट, और देखो अगर मैं काइट का बताऊं, दोनों काइट जैसे दिखते हैं, तो ये दोनों तो हाफ हो रहे, ये और ये अनइक्वल है, ये इक्वल है और ये दोनों अलग इक्वल है। तो ये काइट और रोम्बस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान देने का। अब देखो रोम्बस के ऊपर जैसे क्वेश्चन में आपको, अब रोम्बस आपने पढ़ लिया, अब रोम्बस के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो रोम्बस में इफ क्वेश्चन है, इफ डायगोनल of rhombus is equal to side then find all angles, तो सारे angle find करने, अगर उसका diagonal of a rhombus equal to its side दिए, जैसे आपने यहाँ लिखा है, एक diagonal side के equal है, if one diagonal then it will
ये इसके इक्वल आ गए। तो आपको पता चले ये साइड्स इक्वल हो गए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, सभी एंगल 60 होते हैं, 60 60 60। सेम वे से ये इक्विलेटरल हो गए, सारे एंगल 60 60 60 आ गए। अब देखो तो एंगल ए कितना आया 60, एंगल सी 60, एंगल बी कितना आया 120, क्योंकि ये 60 ये भी 60 तो टोटल 120, एंगल डी आपका 120। तो सारे एंगल फाइंड हो गए। अगर एक एंगल भी आपको मतलब अगर ये कंडीशन दी कि डायगोनल्स इक्वल हैं, इक्वल टू एनी इक्वल टू साइड्स, देन ऑटोमेटिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? और देखो इसके ऊपर मेरे पास जो बुक है उससे क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन, इफ ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, फाइंड sides first second perimeter। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन। अब देखो ये राइट एंगल है, हमें प्रॉपर्टी पता है, हाफ ऑफ फोर है, तो आप बता सकते हो एसी कितना दिया है 12। तो एओ कितना हुआ, एओ और सीओ दोनों 6 6 हो गए, हाफ ऑफ हो गए। ऐसे बी डी आपको कितना दिया है 16, तो बता सकते हो बी ओ कितना हुआ, बी ओ और ओ डी कितना हुआ, दोनों ही 8 8 सेंटीमीटर आगे, हाफ ऑफ हो जाएंगे। अब देखो ये आपका 8 ये 6, तो हम सबसे पहले आपको बताइए राइट एंगल है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ओ इज 90, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने कैलकुलेट किया ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज ए ओ स्क्वायर 636, ओ बी इज 864, ए बी स्क्वायर इज 100। बता सकते हो किसका स्क्वायर 100 होता है, आपने लास्ट टाइम भी किया था 10 10 जा 100, तो ए बी का वैल्यू जो आया वो आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका ए बी 10 हो गया, तो सारी साइड आपकी 10 10 सेंटीमीटर की आ गई, तो ऑल द साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, तो साइड्स नोन हो गई, देयरफॉर साइड्स आर साइड्स लेंथ ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर तो आपको पता 4 इंटू साइड्स होता है, तो 4 इंटू 10 40, और यूनिट हमने सेंटीमीटर डाला है तो सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, तो यूनिट इज 40 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर भी फाइंड हो गया और साइड भी फाइंड हो गया। समझ आया कैसे मैंने इसको किया? अब नेक्स्ट देख लो, कोई क्वेरीज है तो मैं भी सॉर्ट आउट कर दूं। देखो ये तो आपने रोम्बस के बारे में समझ लिया, अब है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है नॉलेज कि अपोजिट साइड से ये पैरेललोग्राम होता है फर्स्ट, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, दूसरा आपने ये पढ़ा है कि ये रेक्टेंगल क्यों होता है पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, ये सभी 90 हो गए, ईच एंगल 90 डिग्री। तीसरा आपने पढ़ा था
इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं, जैसे ये और ये इक्वल आएंगे, ये बाइसेक तो कर रहे हैं, यहाँ 90 नहीं बनेगा, हाफ ऑफ बाइसेक कर रहे हैं, तो डायगोनल्स आर इक्वल। अब इसमें अभी जैसे आपको ये तीन प्रॉपर्टीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम होता है, ईच एंगल 90 होते हैं और सभी डायगनल्स इक्वल होते हैं, इसकी खास प्रॉपर्टी। कोई भी आप पैरेललोग्राम बनाओगे उसके डायगनल्स बनाओगे तो वो हमेशा ही इक्वल लेंथ है। अब जैसे कि अगर एक डायगनल आपको पता है, कोई भी एक डायगनल, जैसे अभी मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आपको साइड ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये 4, बोला इसका डायगनल आपको फाइंड करना है, तो आपको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, देयर फॉर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज ए सी स्क्वेयर, ए बी इज 3, 9, बी सी है 4, 4 का स्क्वायर 4, 4 जो 16, ए सी स्क्वायर ढूंढना है, 25 इज ए सी स्क्वेयर, और किसका स्क्वायर 25 होता है, 5 का, तो इसका डायगनल 5 आ गया, और दूसरा डायगनल कितना होगा, BD is also 5 cm, दोनों डायगनल ऑटोमेटिकली आपके पता चल गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, ये दोनों आपको तो फुल साइड सर इक्वल तो हाफ सर इक्वल, तो ये साइड इसके इक्वल, तो इसलिए ये एंगल हमेशा इक्वल, ये एंगल हमेशा इक्वल आएंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। जैसे इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल दिया है, आपको 30 दिए, आपको फाइंड करने याद है, अब सोचो ये कहाँ से फाइंड होगा, तो सबसे पहले ये 30, ये 30 हो गए, क्लियर हो गए, और ये आपको पता है कि ये कितना होगा, इन दोनों को ऐड किया 180 से माइनस किया तो आपने ये एंगल ढूंढ लिया, ठीक है, तो ये एंगल कितना है आपका। अब देखो मैंने बताया ये 30, तो ये 30 प्लस 30 प्लस O, एंगल ओ इज इक्वल टू 180, तो एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये आपका 120 आ गया। अब आपका पता है ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में ये एंगल 60 आ जाएगा, और ये दोनों इक्वल हैं, इसको x x मान लिया आपने, तो आपने लिखा x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल टू 120 और x is equal to 60, तो ये एंगल भी 60-60 आपके आ गए, ठीक है। और बाकी तो पता है ये 60 है तो ये 90 आपको, और दूसरा तरीका अगर ये फिर भी डाउट आए, ये 30 है, ये पूरा 90 है, 30 में से 90 माइनस किया 60 आ गए, और ये इक्वल होते इसलिए भी 60 आ जाएगा, बहुत इजी तरीका है। देखो ये रेक्टेंगल मैंने बताया ये डायगनल है, ये 30 है तो ये 30 होना ही होना है, लेकिन पूरा 90 है तो ये 60 आ जाएगा, 90 में से 30 कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये भी आपका 60 आ जाएगा आराम से, अगर ये पूरा प्रोसेस नहीं करना हो तो। ये हो गया रेक्टेंगल के बारे में, अब नेक्स्ट टाइम अपने लिखेंगे रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में डिस्कशन करें, क्लियर हो गया आज तक इतना है, अब इसी को मैं थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ, और ये प्रॉपर्टी जो समझे उसको समझो, अभी तीन सभी प्रॉपर्टी को मैं मिक्स करूँगा, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर।